कि क्या करते हैं, क्या लेते देते हैं। क्या ये ज्ञान छोटे बच्चे और बूढ़े बड़े जवान सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है? ये विद्यार्थियों के बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो ध्यान लगाते हैं तो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। बूढ़े जीते आए वो तो नाम जप करते हैं, प्रचार नहीं करते, वो तो मोक्ष के लिए आए। और विद्यार्थी जीते आए वो आगे प्रचार करते हैं। ये योग की किताब में कई जगह लिखा है दिव्य आनंद। हाँ, ये दिव्य आनंद क्या है और कैसे मिलता है? ये इंद्रिय अतीत आनंद है। नानक देव जी ने कहा ना, भागन तत्व नान का उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी ने कही है, नाम अमल उतरे भाई और अमल छिन छिन चतु चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये आनंद किसी पदार्थ से नहीं आता। योग के बारे में लोग बताते हैं कि प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम तो एक क्रिया है, प्राणायाम होना जरूरी नहीं है। नहीं, बहुत सारे जो योगाचार्य हैं जो प्राणायाम करवाते हैं कि भाई आप जो करें सांस तेज लो धीरे छोड़ो, ऐसे प्रक्रिया क्रियात्मक रूप से बताते हैं। वो अगर होना जरूर है तो होता होगा। मेरे दो कई शिष्य है कि प्राणायाम में वो सहस्रार में पहुंच जाते हैं, उनको योग वो प्राणायाम नहीं होता। तो प्राणायाम योग की अंतिम क्रिया है? नहीं, स्टार्ट है योग। प्राणायाम होना जरूरी नहीं है, प्राणायाम करवाते हैं कोई प्रोफेशनल लोग, समझे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। देखिए, मैं किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेता। मेरे गुरु गंगाईनाथ जी ने सिर्फ धूप के लिए अगरबत्ती मैं करता था, जो कि आश्रम में भी आप लोग करते हो। इसके अलावा मैंने गंगाईनाथ जी कुछ भी नहीं दिया। और बस ये मेरे को गंगाईनाथ जी ने समझा दी कि अगरबत्ती करो। योग के लिए कोई वो पैसा टका देने की जरूरत नहीं है किसी को। मैंने आज तक जितने अब गिनती का कोई पता नहीं, अमेरिका में कम है, इजराइल में भी है ज़्यादा, और राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। गिनती मालूम नहीं है क्योंकि अब आज कितने आदमी है, मगर मैंने एक पैसा आज तक नहीं लिया, समझे। स्वेच्छा से कुछ दे देते हैं, हाथ नहीं मारता, पैरों में रखो उसकी मर्जी से, चाहे रुपया रखो चाहे 2 रुपया रखो। मैंने आज तक मांगा नहीं और नए जीवन में मांगूंगा, समझे। महर्षि अरविंद ने जो अपने साहित्य में लिखा है कि वो परम सत्ता इस धरा पे अवतरित होगी, हाँ, वो इस तरीके से काम करेगी जिससे पूरा दुनिया में बदलाव आएगा, युग परिवर्तन होगा, क्या ये वही चीज है जो आप? हाँ, अरविंद ने जो लिखा वो मेरे बारे में लिखा, मैं आपको साफ बताऊं, समझे नहीं समझे। अरविंद महर्षि अरविंद ने जो लिखा वो 100% मेरे लिए रखा। एक लड़का ध्यान में अपने किसी दोस्त के घर चला गया, इस तरह मैं भी कई दफे, एक दफे मैं अफ्रीका चला गया, दक्षिणी अफ्रीका। एक नर्स वहाँ इलाज करती थी एड्स का, वो देखा। इंग्लैंड चला गया था, कोई आदमी पंजाब से गया और समुद्र के किनारे कहीं ठहरा हुआ, वो मतलब आदमी ठहरने के लिए वहाँ, वो कह रहा था कि मैं पंजाब से सब कुछ बेच बात कर यहाँ आ गया, यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती, अब क्या करूँगा।
तो अनलिमिटेड पास भी दिखता है, फ्यूचर भी दिखता है, प्रेजेंट भी दिखता है। ध्यान से आप चाहो ये करना, आप भी कर सकते हो। बस ये कि आप समर्पित भाव से, गुरु सिर्फ समर्पण चाहता है और गुरु को कुछ नहीं चाहिए। कहा ना, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवाय नमः। यहाँ मैंने क्यों लगा रखी है आश्रम में गंगा व्यास जी की तस्वीर, क्योंकि उनके मेहरबानी के बिना मैं आज यहाँ आश्रम नहीं बना सकता था। आश्रम बनाने में मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा, लोग देते रहे। बाड़मेर में बहुत बना हुआ है, कोटा में 1 करोड़ के लागत से बना हुआ है। अगर समाज के लोग देते तो वहाँ तो जाते ही नहीं। मेरे शिष्य है अभी पदम जी आए हुए हैं, तो सबसे ज्यादा कोटा से आएंगे, बाड़मेर से आएंगे, पंजाब से कम आएंगे। मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है मानवता में सत्वगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन। इसमें मुझे किसी जाति विशेष, देश विशेष, राष्ट्र विशेष की जरूरत नहीं। मैं पूरे विश्व में यह परिवर्तन लाना चाहता हूँ। जो मैं स्टेज पर बैठता हूँ उसके नीचे श्राप लिखा हुआ है, आप सब लोग देख सकते हो।